नमस्कार दोस्तों, शेन वॉटसन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट हुई आपत्तिजनक तस्वीरें और दोस्तों पीछे की वजह जानकर आप रह जाएंगे हैरान। दोस्तों वो जानकारी मैं आपको पूरी बताऊंगा, लेकिन आप शेन वॉटसन को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉटसन का ट्विटर अकाउंट कुछ दिनों पहले हैक हुआ था, जिसे रिकवर करने में बहुत समय लगा था। लेकिन अब इस बार मंगलवार को उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया, जिसका नाम बदलकर ब्रेवरी स्पेन कर दिया गया था और इस पर आपत्तिजनक तस्वीरें भी पोस्ट की गई थी। इस बारे में शेन वॉटसन ने ट्वीट कर बताया। उन्होंने कहा कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट होने पर मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ। शुक्रवार को पहले मेरा ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम हैक किया गया था। जब इस तरह की चीज़ें होती है तो इंस्टाग्राम को तेज़ी से मदद करनी चाहिए, इससे काफ़ी समय लग रहा है। दोस्तों शेन वॉटसन ने इस घटना के बाद इंस्टाग्राम के ऊपर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पिछले शुक्रवार को ट्विटर मामले को सुलझाने में तेज था, लेकिन इंस्टाग्राम तुम कहा हो। बता दें कि इससे पहले शेन वॉटसन का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था, जिसके बाद उनका नाम व प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी गई थी। साथ ही में इस पर आपत्तिजनक पोस्ट भी की गई थी, जिसके बाद शेन वॉटसन ने अपने फैंस से माफ़ी मांगी थी। दोस्त फिलहाल शेन वॉटसन भारत दौरे पर है। हाल ही में उन्होंने चेन्नई में धोनी के बारे में कहा कि वह कब संन्यास का फैसला करते हैं, इसका निर्णय केवल वही कर सकते हैं। हालांकि अब भी वो शानदार तरीके से खेल रहे हैं, उनके पास कौशल की कमी नहीं है, उनकी फुर्ती में कमी नहीं आई है। वह विकेटों के बीच में शानदार तरीके से दौड़ लगाते हैं और विकेट कीपिंग में भी लाजवाब करते हैं। उन्हें पता होगा कि उनमें कितनी क्रिकेट बाकी है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकॉन को भी दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहूँगा।